थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या रीज़न थी जिसकी वजह से इसकी बहुत ज़रूरत महसूस हुई। तकरीबन 50 के करीब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो हैं इससे पहले गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर पर मौजूद थी, लेकिन सिर्फ 9 मिलियन के करीब टोटल डाउनलोड्स थी। उसकी रीज़न ये है कि अगर किसी ने एक सर्विस लेनी है तो अपने मोबाइल के अंदर मुख्तलिफ ऐप्स डाउनलोड नहीं करता, सिर्फ किसी का अगर सर्टिफिकेट उसने लेना है उसके लिए करता ले, पुलिस की सर्विस करनी है उसके लिए करता है ऐप डाउनलोड करे। तो ज़रूरत इस चीज़ की थी कि हुकूमत एक जगह पे तमाम सर्विसेज जो है वो ले आए। इसमें मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सीएम ऑफिस का, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को बहुत फास्ट ट्रैक किया, क्योंकि जब इतने ज़्यादा मिनिस्टर्स इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वो विदाउट कोऑर्डिनेशन एक जगह पे लाना बहुत मुश्किल होता है। उसमें सीएम ऑफिस ने बहुत बड़ा अपना किरदार अदा किया और हम अल्लाह का शुक्र है कि 23 सर्विसेज ऑलरेडी हम ले के आ चुके हैं और ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके ऊपर तमाम हुकूमत की सर्विसेज जो हैं वो हम ले आएंगे। इसके बाद एक और चीज़ जो हम लेके आना चाह रहे हैं वो ये कि जो प्राइवेट सेक्टर की बहुत सी सर्विसेज होती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज होती हैं हुकूमत नहीं दे पाती या नहीं, वो मैंडेट प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब कि इस पर एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेके प्राइवेट सेक्टर को भी हम इस पर ले आए। जब एक ट्रैफिक यहाँ से प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएगी तो वहाँ से उनके बिजनेस को भी वो फ्लरिश करेंगे और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। देखिए पिछले 1.5 माह में हमने बहुत सी जो चीज़ें हैं उसके अंदर हम एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। हमारे 3 इनिशिएटिव जो कि हैं ही बहुत ज़्यादा यूथ सेंट्रिक, जिसमें एक डिजिटल हुनर 2.0, एक जो वेब 3.0 की पंजाब पहला सूबा है जो वेब 3.0 की अडॉप्शन के ऊपर एक रोड मैप जो है बना रहा है, उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक आईटी सेक्टर को हम किस तरह से फ्लरिश करवा सकते हैं और दूसरा यूथ की एम्पावरमेंट। जो यूथ एम्पावरमेंट है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एक वीएन है, पीटीआई का वीएन है, वजीर आला का एक वीएन है। तो इस वजह से हमारी ये कोशिश है कि हमारे जितने इनिशिएटिव्स हों उसमें यूथ की स्किल्स की अपस्किलिंग हो रही हो और साथ में आईटी सेक्टर जो है उसको वो फ्लरिश कर रहा हो। तो गो पंजाब ऐप भी उसी तरफ एक आज जस्ट स्टार्ट, इसके अंदर जितने आगे इसमें जब हम आगे जाएंगे तो जिसमें इसमें ट्रांसपेरेंसी का एक एलिमेंट है जो कि हम लेके आना चाहते हैं कि जितने डिपार्टमेंट्स के अंदर लोगों ने अपने एप्लीकेशन दी हुई हैं किसी भी चीज़ के लिए मुकर्र वक्त में पता चल जाएगा, वज़ीर आला के डैशबोर्ड पर आ जाएगा कि इस डिपार्टमेंट में अगर 35 एप्लीकेशन गई हैं और 35 दिन का टाइम दिया गया है तो क्या 35 दिन में वो टाइम हो रहा है नहीं हो रहा। तो ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, आईटी इंडस्ट्री को हम आगे भी लेके जा सकेंगे और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो सिटीजन्स हैं उनको एक जगह पे तमाम सर्विसेज अवेल करने का मौका मिलेगा। थैंक यू।